बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया तो पिटारा बिहार के लिए खुल गया और बिहार को विकास की रफ्तार मिले इसके लिए योजनाओं की शुरुआत भी की गई। पर विपक्ष है कि बजट पर तंज कस रहा है। विशेष दर्जे की मांग को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात आखिर क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, टू बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, थ्री बोधगया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स, एंड फोर एडिशनल टू लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सर एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 26,000 crore rupees। देश के आम बजट से बिहार बम बम है। केंद्र सरकार के खजाने से बिहार के लिए एक से बढ़कर एक सौगात दी गई। बिहार में विकास की गंगा के साथ ही इस बजट ने बड़े स्तर पर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए। बजट से गदगद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रदेश के विकास में मदद करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। ये बिहार के विकास की गति को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की मांगे तो पूरी हुई ही। हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर बिहार के लिए खास मदद का प्रावधान भी पहली बार किया गया। इससे बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जताई है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के गर्व वाला बजट करार दिया है। इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू, पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। एनडीए के नेता बजट को बेहतर बता रहे हैं, पर आरजेडी बजट पर तंज कस रहा है। पार्टी सांसद मनोज झा कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए सरकार भी बदलनी पड़े तो बदलवा देंगे। सड़क नाली नलिया नलका ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माई वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ बिहार में शानदार काम हो, विकास योजनाएं फर्राटे भर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोल दिया है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में विरोधियों पर वार पलटवार के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।